A very good morning, dear students. Students, welcome to your English class. Students, open your English reader book, Buzzword English, at page number 32. पेज नंबर 32 पर आप अपनी रीडर बुक ओपन करेंगे. द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज पपायाज एडवेंचर. यस, यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन जूम क्लास. जूम क्लास में आप ये चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आई एम सेंडिंग यू दिस रिवीजन वीडियो. मैं कि रिवीजन वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में इसको सुन के इसको प्रिपेयर कर सकें. एंड अगर आपने जूम क्लास बाई चांस मिस की है तो भी इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट पपायाज एडवेंचर. पपाया वॉज एन ऑल नेम टू गिव अ ग्रे एंड वाइट टबी कैट विद अ मोस्ट ब्यूटिफुल गोल्डन आइज एंड वाइट विस्कर्स एंड वाइट पॉज. ठीक है, पपाया वॉज एन ऑड नेम. ठीक है, एक बहुत ही ऑड होता है, मीन्स अजीब सा नेम. टू गिव अ ग्रे एंड वाइट टैबी कैट विद द मोस्ट ब्यूटिफुल गोल्डन आइज. दिया गया था एक ग्रे और वाइट, ठीक है, ग्रे और वाइट कलर की टैबी कैट. टैबी क्या होता है बेटा? अ कैट विद ब्राउन और ग्रे फर विद डार्क लाइन्स और स्पॉट्स. ठीक है, वो कैट जिसमें जो होती है ब्राउन और ग्रे फर होते हैं जिसके, और डार्क लाइन्स और स्पॉट्स जैसे कि यू कैन सी इन द पिक, ऐसी कैट को टैबी कैट बोलते हैं. विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्डन आइज, और उसकी आइज कैसी थी? मोस्ट ब्यूटीफुल और गोल्डन आइज थी, है ना, गोल्डन कलर की सुनहरी आँखें. एंड वाइट विस्कर्स एंड वाइट पाज. वाइट विस्कर्स, ठीक है, और वाइट पाज, सफ़ेद पंजे. और एंड वाइट विस्कर्स, विस्कर्स होते हैं बेटा मूछे भी जिनको हम बोल सकते हैं, है ना. तो इस तरह से जो उसके विस्कर्स थे वो भी वाइट थे. बट द ऑड थिंग अबाउट नीरा एंड नीरेन्स बिलव्ड पेट किटन वॉज लव फॉर पपायास, है ना. जो ऑड थिंग, स्ट्रेंज थिंग थी, अजीब सी बात थी, वो ये थी उस पेट किटन के बारे में, उस कैट के बेबी किटन के बारे में नीरा और नीरेन का. और यही चिल्ड्रन उसको कहना चाहते थे, वी विल टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, हम उसका ध्यान अपने आप रखेंगे. लाइक ऑलवेज, जैसे हमेशा रखते हैं. दे प्रॉमिस शाउटिंग हैप्पीली, उन्होंने हैप्पीली शाउट करते हुए प्रॉमिस किया. ऑल पपायास ऑफ द जर्नी वॉज अ डार्क इनसाइड ऑफ अ बिग क्लोजली वूवन बास्केट विच वॉज बम जॉल्टेड सेट डाउन रफली एंड कैरिड टू एंड एंड फ्रो. ऑल पपाया सा ऑफ द जर्नी, लेकिन पपाया ने जर्नी को कैसे देखा? वॉज द डार्क इन साइड ऑफ अ, क्योंकि उसको उन्होंने क्या किया था, एक बास्केट में रख दिया था. तो उसके लिए जो जर्नी थी वो क्या थी? डार्क इन साइड, अंधेरी थी, है ना. ऑफ अ बिग क्लोजली वूवन बास्केट, वो एक क्लोजली वूवन बास्केट के अंदर थी, एक कैन बास्केट में थी जहाँ पर कोई गैप्स नहीं थे. एंड विच वॉज बम्प्ड, जो बम्प होती थी, बम्प मीन्स टकराना, है ना, बम्प होती थी. जॉल्टेड, जॉल्टेड मीन्स मूव सडनली एंड रफली, जब कोई चीज़ सडनली मूव करती है, रफली मूव करती है तो उसको जॉल्ट होना कहते हैं. तो वो इट वॉज मूव सडनली. सेट डाउन, सेट डाउन मीन्स कैप्ड, रखे जाना रफली, रफली उसको रखा जा रहा था. एंड कैरिड टू एंड फ्रो, कैरिड टू एंड फ्रो मीन्स कैरिड बैक एंड फोर्थ, मतलब उसको बड़े अजीब तरीके से ले जाया जा रहा था, है ना. तो देखिए, जो उसको बास्केट को लेके जा रहा है उसको नहीं मालूम कि अंदर जो बास्केट में है उसको कैसा फील हो रहा है. कभी उसको लगता है कि वो टकराया जा रहा है उसको, है ना. तो वो बहुत रफली उसको रखा गया था. शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप एट द बॉटम, उसने अपने आप को कर्ल कर लिया था, सिकोड़ लिया था बास्केट में. साइड डीपली, और वो बहुत डीपली सांसें भर रही थी. एंड फेल स्लीप, और फिर वो सो गई, है ना. तो अगर हम एनिमल्स का एक वो देखें तो एनिमल्स की भी लाइफ कैसी होती है ना, कि वो भी क्या क्या फेस करते हैं. शी वोक अप एट अनदर बम्प्स, और जब एक बार दोबारा वो टकराई तो वो जाग गई. शी हर्ड समथिंग स्विशिंग पास्ट हर सॉफ्टली,
इट वॉज टू मच कूलर टू शी सेट अप इन हर बास्केट स्ट्रेटनिंग हर विस्कर्स एंड हर्ड नीरा एंड नीरा इन शाउटिंग विद एक्साइटमेंट शी हर्ड समथिंग शुसिंग पास्ट हर सॉफ्टली उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसको सॉफ्टली टच कर रही थी इट वॉज मच कूलर टू और वो ठंडी भी थी शी सेट अप इन हर बास्केट वो अपनी बास्केट में बैठ गई स्ट्रेटनिंग हर विस्कर्स अपनी फिस्कर्स को अपनी मूछों को स्ट्रेट करते हुए एंड हर्ड नीरा एंड नीरन शाउटिंग विद एक्साइटमेंट और नीरा और नीरन की बातें उसने सुनी कि वो कैसे एक्साइटमेंट में शाउट कर रहे थे लुक लुक एट द फनी लिटिल बॉट्स विद कुशंस एंड कर्टेंस सेड नीरा एक्साइटेडली हर्ड समथिंग स्विशिंग पास्ट हर सॉफ्टली इट वॉज टू मच कूलर टू शी सेट अप इन हर बास्केट स्ट्रेटनिंग हर विस्कर्स एंड हर्ड नीरा एंड नीरन शाउटिंग विद एक्साइटमेंट She heard something shushing past her softly. उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसको softly टच कर रही थी It was much cooler too और वो ठंडी भी थी She sat up in her basket. वो अपनी basket में बैठ गई Straightening her whiskers. अपनी whiskers को अपनी मूछों को straight करते हुए And heard Neera and Neeran shouting with excitement. और Neera और Neeran की बातें उसने सुनी कि वो कैसे excitement में shout कर रहे थे Look, look at the funny little boards with cushions and curtains, said Neera excitedly. Neera ne excited hokar bola, look, look at the funny little boards. Jo ye funny little boards hain, unko dekho. Inme cushions lage hue hain, curtains lage hue hain. Those are shikaras. Little water taxis, said father. To phir unke father ne bataya ki wo kya hain. Wo jo little boards hain, wo shikaras hain. Hai na, jinko little water taxis bhi kehte hain. Wow, there's one going. By full of flowers, said Neeran. Neeran ने कहा उनमें से एक जो है वो जा रही है full of flowers. जो कैसी है flowers से full है And there goes one with vegetables. और एक vegetables की मतलब एक में vegetables हैं Oh, which is our houseboat? हमारी houseboat कौन सी है आज Neera impatiently. Neera ने impatient होके कहा See if you can spot the star of Kashmir, replied mother. Mother ने reply किया See if you can spot. देखो अगर तुम spot कर सकते हो देख सकते हो the star of Kashmir. That one. वो the one with pink curtains. वो जिसमें pink curtains हैं है ना pink curtains हैं The one with flower pots. और एक जिसमें flower pots हैं नीरा said. नीरा ने कहा pointing to a large houseboat in front of them. ठीक है point करते हुए इशारा करते हुए एक बहुत बड़ी houseboat को जो उनके सामने थी माय गुडनेस सी इफ यू कैन स्पॉट द स्टार ऑफ कश्मीर रिप्लाइड मदर दैट वन द वन विद पिंक कर्टेंस द वन विद फ्लावर पॉट्स नीरा सेड पॉइंटिंग टू अ लार्ज हाउस बोट इन फ्रंट ऑफ देम माय गुडनेस लुक एट द वाटर लिलीज माय गुडनेस मींस जब हम किसी चीज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं ना तो हम बोलते हैं माय गुडनेस लुक एट द वाटर लिलीज मदर Have you ever seen को जो उनके सामने थी My goodness. See if you can spot the star of Kashmir, replied mother. That one, the one with pink curtains, the one with flower pots. Neera said, pointing to a large houseboat in front of them. My goodness, look at the water lilies. My goodness means जब हम किसी चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं ना तो हम बोलते हैं My goodness, look at the water lilies. Mother, have you ever seen such enormous lilies? Neeran said, surprised. है ना तो Neeran बोलता है कि मैं मम्मा अपनी मदर को कहता है कि उन वाटर लिलीज को देखो वो लिलीज जो वाटर में हैं और क्या कभी आपने इतनी सुंदर इतनी enormous, इतनी अडोरेबल लिलीज देखी हैं They were having fun all by themselves. वो अपने आप सब fun, मतलब वो enjoy कर रहे थे And poor papaya was not even allowed a peep. और जो बेचारी पपाया थी वो उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो झांक कर भी देख ले शी वॉज नॉट इट वॉज नॉट इवन अलाउड कि वो झांक भी सके पीप मीन्स झांकना सो एज सून एज द लिड ऑफ द बास्केट वॉज ओपन जैसे वो लिड का बास्केट का लिड यानी ढक्कन ओपन हुआ पपाया स्प्रेंग आउट पपाया एकदम से उछली स्प्रेंग आउट मीन्स उछलना विद एन एंग्री म्याओ एक गुस्से वाली म्याओ के साथ है ना एक उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे इसमें क्यों बंद किया गया है तो वो एक गुस्से के साथ वो उछली
She is all right, Neera cried, picking her up and squeezing her. She is all right, ये बिल्कुल ठीक है, नीरा cried, नीरा ने कहा. And picking her up, उसने उसको pick किया, उठाया, and squeezing her, और उसको निचोड़ा. निचोड़ा means उसको एकदम से ऐसे पकड़ लिया. Let her down, said mother. मदर ने कहा उसको नीचे आ जाने दो. She wants to look around, वो भी देखना चाहती है, घूमना चाहती है. At first sight, the houseboat seemed to be a little wooden house to which they had brought her. तो उसको फर्स्ट साइट में क्या लगा, क्योंकि उसने पूरी जर्नी तो देखी नहीं थी, तो उसको लगा कि जो है ये एक वुडन हाउस है, है ना. वो बोट उसको क्या लगी कि ये एक लकड़ी का बना हुआ घर है जो उसके लिए लाया गया है. पिंक कर्टेंस फ्लैप इन द ब्रीज एट द विंडोज एंड द लॉन्ग लीव्स ऑफ द विलो ट्री स्वेड आउटसाइड. पिंक कर्टेंस जो है ब्रीज में फ्लैप इन द ब्रीज एट द विंडोज एंड द लॉन्ग लीव्स ऑफ द विलो ट्री स्वेड आउटसाइड. पिंक कर्टेंस जो है ब्रीज में फ्लैप कर रहे थे, हिल रहे थे विंडोज़ के पास. एंड द लॉन्ग लीव्स ऑफ अ विलो ट्री स्वेड आउटसाइड. और जो लीव्स थी किसकी, विलो ट्री की. विलो ट्री क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री विद ड्रूपिंग ब्रांचेस फाउंड नियर वाटर बॉडीज इन रीजन विद कोल्ड वेदर. ठीक है, विलो ट्री जो होता है ये जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है और जहाँ आसपास वाटर होता है जैसे सी वगैरह होता है या रिवर्स होती हैं वहाँ पर ये विलो ट्री पाया जाता है. तो उसकी जो लीव्स थी वो स्वे कर रही थी, हिल रही थी आउटसाइड, है ना, झूल रही थी. सो देवर पॉट्स, देवर पॉट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पॉट्स थे ऑन द बालकनी, बालकनी में. पैटर्न रग्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर जो है पैटर्न रग्स थे. रग्स आप सभी जानते हैं, है ना, जिसको हम पायदान भी बोलते हैं. स्मॉल कारपेट्स मेड फ्रॉम थिक मटेरियल, है ना, जो हम अपने रूम के बाहर रखते हैं ताकि उनसे हम पैर पोछ सकें, है ना. तो उसने क्या देखा, पपाया ने, कि फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे बालकनी में, पैटर्न यानी कि एक पैटर्न से एक तरीके से रखे हुए थे पायदान रग्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फर्श पर, है ना. अ रूम स्टफ्ड विद अ सोफ़ा, एक रूम जो था वो स्टफ्ड था सोफे से, है ना, मतलब रूम में सोफा रखा हुआ था. कैलेंडर्स थे, मैगजीन्स थे एंड वुडन निक नैक्स. ठीक है, और वुडन जो है निक नैक्स थे. निक नैक्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे जो डेकोरेशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना, अपने हाउस में हम डेकोरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, निक नैक्स. सो इट लुक प्रिटी एंड कम्फर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, प्यारा लग रहा था, कम्फर्टेबल लग रहा था. पपाया हॉप्ड अप ऑन द विंडो स्विल, पपाया एकदम से उछली, हॉप मीन्स फुदकना, एकदम से फुदकी ऑन द विंडो स्विल, विंडो स्विल पर, यानी कि विंडो स्विल क्या होता है, विंडो की जो किनारे होते हैं विंडो स्विल पर, एंड देन फ्रोज, और फिर एकदम से फ्रोज हो गई. फ्रोज मीन्स एकदम से जम गई. क्यों, ऐसा क्या देख लिया उसने जो वो एकदम से फ्रोज हो गई. स्लोली हर बैक आर्च, ऑल हर हेयर स्टूड ऑन द ऑन एंड एंड हर आइज ग्रू लार्ज एंड ब्लैक विद हॉरर एट वॉट शी सॉ. क्योंकि उसने कुछ देख लिया था, और उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि जिससे हर बैक आर्च्ड, है ना, आर्च मीन्स उसकी जो कमर थी वो मुड़ गई थी, आर्च मीन्स मुड़ जाना. ऑल हर हेयर स्टूड ऑन एंड, उसके जो हेयर थे वो एकदम से स्टिफ हो गए थे, जो है निक नैक्स थे. निक नैक्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे जो डेकोरेशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना, अपने हाउस में हम डेकोरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, निक नैक्स. सो इट लुक प्रिटी एंड कम्फर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, प्यारा लग रहा था, कम्फर्टेबल लग रहा था. पपाया हॉप्ड अप ऑन द विंडो स्विल, पपाया एकदम से उछली, हॉप मीन्स फुदकना, एकदम से फुदकी ऑन द विंडो स्विल, विंडो स्विल पर, यानी कि विंडो स्विल क्या होता है, विंडो की जो किनारे होते हैं विंडो स्विल पर, एंड देन फ्रोज, और फिर एकदम से फ्रोज हो गई. फ्रोज मीन्स एकदम से जम गई. क्यों, ऐसा क्या देख लिया उसने जो वो एकदम से फ्रोज हो गई. स्लोली हर बैक आर्च, ऑल हर हेयर स्टूड ऑन द ऑन एंड एंड हर आइज ग्रू लार्ज एंड ब्लैक विद हॉरर एट वॉट शी सॉ. क्योंकि उसने कुछ देख लिया था, और उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि जिससे हर बैक आर्च्ड, है ना, आर्च मीन्स उसकी जो कमर थी वो मुड़ गई थी, आर्च मीन्स मुड़ जाना.
ऑल हर हेयर स्टूड ऑन एंड, उसके जो हेयर थे वो एकदम से स्टिफ हो गए थे, एकदम से शी वॉज फ्राइटन्ड, वो एकदम से जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, तो एकदम से वो जो है हर हेयर स्टूड ऑन एंड एंड हर आइज ग्रू लार्ज, उसकी आँखें फैल गई थी, बड़ी हो गई थी, एंड ब्लैक विद हॉरर, और डर के मारे वो ब्लैक हो गई थी एट वॉट शी सो, क्योंकि उसने कुछ देख लिया था. अब क्या देख लिया था? ऑल अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग बट अ शीट ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि उसने देखा कि हाउस के बिल्कुल आस पास शीट ऑफ वाटर था, मीन्स वाटर ही वाटर था, तो ये देखकर वो डर गई थी. विद अ क्राई शी स्प्रैंग डाउन, और वो एक डर के चिल्ला एक क्राई के साथ वो शी स्प्रैंग डाउन, वो नीचे आ गई, एंड रेज्ड अवे, और भागने लगी टिल शी वॉज इन द डार्क कॉर्नर ऑफ द साइड बोर्ड, जब तक वो साइड बोर्ड के डार्क कॉर्नर में नहीं पहुँच गई. साइड बोर्ड मीन्स अ कबर्ड टू स्टोर नाइस एंड फोक्स, ठीक है, साइड बोर्ड होता है एक कबर्ड जहाँ पर नाइस और फोक्स स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं. सो देन शी हर्ड एवरीवन लाफ, और तब सब हंसने लगे, दे हैड ट्रिक्ड हर, क्योंकि उन्होंने सबने उसको चीट किया था, फूल किया था, मतलब उसको पागल बनाया था उसका, है ना, क्योंकि वो तो बास्केट में थी, वो सब चीज़ें उसने देखी नहीं, उसने देखा कि वाटर के बीच में जो है उनका हाउस है, तो वो ये देखकर वो डर गई थी. सो आई थिंक इतना समझ में आया है, तो यू कैन लिसन दिस वीडियो एट योर रिविजन टाइम. ओके स्टूडेंट्स.